तो गाइज़ अगर आप कैप्चा टाइपिंग वर्क करके अर्निंग करना चाहते हो और जो भी आपने अर्निंग करोगे वो अर्निंग अपने पेटीएम अकाउंट में लेना चाहते हो तो आज की वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक कमाल का साइट लेके आया हूँ, 100% साइट लेके आया हूँ जहाँ पे आप कैप्चा टाइपिंग वर्क करोगे और जो भी अर्निंग करोगे अपने पेमेंट को पेटीएम के जरिए इंस्टेंट के इंस्टेंट अपने पेटीएम अकाउंट में ले सकते हो। यहाँ पे कोई भी आपको झंझट नहीं पड़ेगा, क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करो, INR में कन्वर्ट करो, जो भी झमेला होता है वो उन सब चक्कर में नहीं पड़ना है। यहाँ पे जो साइट लेके आया हूँ उस साइट में आपको डायरेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे पेटीएम का ऑप्शन मिल जाता है। डायरेक्टली आप यहाँ पे पेटीएम के जरिए आप अपने जो भी अर्निंग करोगे कैप्चा टैपिंग वर्क से पेमेंट को आप अपने पेटीएम अकाउंट में ले सकते हो विद लाइव पेमेंट प्रूफ के साथ, मैं आपको दिखाऊंगा। तो मेक श्योर वीडियो को पूरा देखो, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर रख देना, आपको इस चैनल में इस रिलेटिव अर्निंग से रिलेटिव वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। तो गाइस क्या करना होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। सिंपली जैसे लिंक पे क्लिक करोगे इस वेबसाइट में आ जाओगे, यहाँ पे आपको रजिस्टर होना पड़ता है। रजिस्टर होने के लिए सिंपली आपको ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना होगा एंड जो भी आपके ईमेल आईडी पे कंफर्मेशन मेल जा सकता है ईमेल आईडी को चेक कर लेना और मेल को कंफर्म कर लेना। और उसके बाद आप डैशबोर्ड में कुछ इस तरीके से इंटरफेस यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको जो अर्निंग होगा वो आपका शो होगा। मेरा अर्निंग आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा अर्निंग यहाँ पे जो कि यहाँ पे 13,349 यहाँ पे टोकन मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा कि यहाँ पे जो मेरे पास ये जो बैलेंस है ना, ये कितने रुपए का बैलेंस मेरा यहाँ पे है, कितने रुपए का है, ठीक है, INR में कितने रुपए, सब कुछ A to Z बताऊँगा। और ये भी बताऊँगा कि आप यहाँ पे कैसे अर्निंग करोगे कैप्चा टाइपिंग वर्क करके, प्लस मैं आपको यहाँ पे वीडियो लेने वाला हूँ, लाइव वीडियो लेके भी दिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखो, ठीक है, कमाल का वीडियो होने वाला है, वीडियो को पूरा देखो। और चैनल में नए हो ना सब्सक्राइब भी जरूर कर देना मेरे भाई, अगर अर्निंग करना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़े रहो, मैं आपको अर्निंग दिलाता रहूँगा, नए नए साइट लेके आऊँगा, ठीक है, आपके लिए, जिससे आपको अर्निंग हो सके अच्छा खासा घर बैठे। तो गाइस बात करते हैं यहाँ पे आप अर्निंग कैसे करोगे, मेरा बैलेंस मैंने यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है, और बात करते हैं यहाँ पे आप अर्निंग कैसे करोगे, ठीक है। तो अर्निंग करने के लिए जैसे आप यहाँ पे रजिस्टर कर लेते हो तो आपको सिंपली आपका डैशबोर्ड नज़र आता है कुछ इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे ऊपर 3 डॉट नज़र आएंगे, वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका जो भी डैशबोर्ड यहाँ पे खुल के आ जाएगा एंड यहाँ पे जो अर्निंग का ऑप्शन आपके सामने बहुत से ऑप्शन आपको मिल जाता है, ठीक है, मैं आपको एक एक करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको रेफरल का ऑप्शन मिल जाता है, उसके बाद आपको जो यहाँ पे ऑटो फॉसेट, मैनुअल फॉसेट और यहाँ पे शॉर्ट लिंक्स और यहाँ पे PTC एड्स, ठीक है, इन सब जरिए से आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे टास्क भी आते रहते हैं जो कि साइड में आप टास्क के जरिए भी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा कैप्चा टाइपिंग वर्क है वो कैसे करना होगा। तो कैप्चा टाइपिंग वर्क करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे जो मैनुअल फॉसेट दिख रहा है ना, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। तो मैनुअल फॉसेट पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं मैनुअल फॉसेट पर क्लिक करता हूँ। तो गाइज मैनुअल फॉसेट पे मैंने क्लिक कर दिया एंड उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आपका यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पेज थोड़ा लोडिंग हो रहा है एंड लोडिंग होने के बाद देख सकते हो आपको यहाँ पे पर 2 मिनट में एवरी कैप्चा यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, यानी कि हर 2 मिनट के बाद आपको एक एक कैप्चा यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे जो मैं इनका टर्म्स एंड कंडीशन है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, 1 मिनट यहाँ पे जो डाउनलोड हो रहा है वो कंप्लीट हो चुका था मेरा जो। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 मिनट में आपका यहाँ पे कैप्चा मिलेगा, डेली का डेली 100 कैप्चा आप सॉल्व कर सकते हो और पर कैप्चा का आपको यहाँ पे 10 टोकन रिसीव होता जाएगा और आप यहाँ पे इजीली तरीके से बहुत ही अच्छा यहाँ पे अर्न कर सकते हो, ठीक है। और भी तरीका यहाँ पे अर्निंग करने का लिए तो वीडियो को पूरा देखो। तो गाइस यहाँ पे आपको अर्निंग करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली देखो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे जो आपको फॉलोइंग बढ़ दिया, आपको पता है कि मैं आपको कल वाला वीडियो परसों वाला वीडियो में भी आपको बता दिया हो कि कैसे आप यहाँ पे अर्निंग करोगे, पहले 7 फिर 9 फिर 8, ठीक है। तो आपको फाइंड करना होगा कहीं कहाँ पहले 7 है तो 7 के ऊपर आपको क्लिक करना होगा, फिर 9 है तो 9 के ऊपर क्लिक करना होता है, फिर 8 है तो 8 के ऊपर आपको क्लिक करना होता है। तो सिंपली देखो पहले 7 है तो 7 के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, जो भी ऐड आएगा उसको आप बैक कर दोगे, उसके बाद 9 के ऊपर मैं क्लिक कर दिया, उसके बाद 8 के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद ये जो आई एम ह्यूमन पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जो कैप्चा का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप दो तरीके से कैप्चा को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक है जो आई एम ह्यूमन वाला, जिसमें आपको यहाँ पे इमेज को मैं कैप्चा को फाइंड करना पड़ता है बेसिकली कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो फाइंड करने को बोल रहा है वो मुझे यहाँ पे ट्रेन को फाइंड करने को लिए बोल रहा है। तो इमेज में कहाँ कहाँ ट्रेन शो रहा है तो ट्रेन को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ जहाँ मुझे यहाँ पे ट्रेन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आपको भी कुछ इस तरीके से यहाँ पे ट्रेन को फाइंड करना पड़ता है, जहाँ जहाँ ट्रेन नज़र आता है ट्रेन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे मैं ट्रेन पे सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ
एंड वेरीफाई क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, वेरीफाई पे जैसे क्लिक करोगे अगर आपने गलत भरा तो ये कैप्चा आपका यहाँ पे गलत हो जाता है, उसके बाद अगर आप सही भरते हो तो सही भी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो मेरा कैप्चा यहाँ पे राइट हो चुका है। एंड नीचे करोगे तो यहाँ पे कलेक्ट और रिवार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जो भी ऐड आता है उसको बैक कर लोगे, उसके बाद यहाँ पे देखे तो आपको यहाँ पे जो 10 टोकन है मुझे रिसीव हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हो। एंड बात करते हैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन की जहाँ से आप अर्न कर सकते हो, वो है शॉर्ट लिंक्स। तो शॉर्ट लिंक्स के बारे में मैंने हर वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि शॉर्ट लिंक्स के जरिए आप कैसे अर्न कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे जो शॉर्ट लिंक के जरिए आप अर्निंग करोगे, आपको यहाँ पे काफ़ी सारा यहाँ पे लिंक्स मिल जाता है। ठीक है, जिसके थ्रू आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो यहाँ पे शॉर्ट लिंक के जरिए। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट लिंक्स पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे एक मिनट में यहाँ पे शॉर्ट लिंक्स में क्लिक कर देता हूँ और आपको मैं दिखा देता हूँ कि आप यहाँ पे कैसे अर्न करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे आई एम ह्यूमन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अनलॉक करने के लिए बोल रहा है तो अनलॉक करना पड़ता है। तो सिंपली मैं यहाँ पे जो भी कैप्चा है वो इमेज मेरा यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, मेरा नेट थोड़ा यहाँ पे स्लो चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो तो जो ट्रक है उसको मैं फाइंड करना होगा, तो कहाँ कहाँ यहाँ पे ट्रक शो हो रहा है, मैं ट्रक पे क्लिक करके यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ। एंड उसके बाद मैं आपको यहाँ पे जो आगे का इंटरफेस मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, जिसके जरिए आप यहाँ पे अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कि आपको जो कैप्चा है कुछ इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना पड़ता है। जहाँ जहाँ इमेज में बोला है कि ट्रक है तो ट्रक को फाइंड करो। ठीक है, उसके बाद जहाँ जहाँ आपको दिखेगा वहीं पे आपको क्लिक कर देना होगा इमेज में। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से देखो मैंने अनलॉक कर दिया, जो भी अपना शॉर्ट लिंक्स का यहाँ पे अनलॉक पे मैं क्लिक कर दिया हूँ कैप्चा को फाइंड करने के बाद। उसके बाद आपको देखो आपका जो यहाँ पे प्रोफाइल है, उसके बाद आपको यहाँ पे बैलेंस है, सब कुछ यहाँ पे नज़र आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मैं शॉर्ट लिंक्स पे क्लिक करता हूँ, फिर से यहाँ पे जो शॉर्ट लिंक्स है वो मेरा यहाँ पे अनलॉक हो गया है। देख सकते हो कि यहाँ पे शॉर्ट लिंक्स वॉल लिखा आ गया, और यहाँ पे देख तो जो लिंक्स आपको 23 लिंक मिल चुका है। और यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे पर लिंक्स पे आपको कितना अर्निंग होगा मैं आपको शो करवा देता हूँ। यहाँ पे देखो आप 135 टोकन अर्न करोगे एक ही बार में। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, किसी वेबसाइट में आपको रीडायरेक्ट हो जाएगा, वहाँ पे आपको जैसे कि आपने देखा होगा किसी के यूट्यूब के वीडियो में वो लिंक पे क्लिक करते हो, तो वहाँ पे जाके आपको बस 5-10 सेकंड वेट करना पड़ता है, तब जाके आपको गेट लिंक मिलता है और तब जाके आप उसी जहाँ जिसके लिए डाउनलोड कर रहे हो उसी पेज पे जाते हो। तो सेम मेथड यहाँ पे भी आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे जो 5-10 सेकंड वेट करना पड़ता है, उसके बाद गेट लिंक का ऑप्शन आता है। तो वहाँ पे आप जैसे गेट लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको जो यहाँ पे जो अर्निंग दिया है वो अर्निंग आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अर्निंग करना होगा। मैं ज़्यादा आपको डीपली नहीं बता सकता, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। और PTC ऐड आपको यहाँ पे मिल जाएगा जब आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करोगे। ठीक है, और यहाँ पे जब जब आपको PTC ऐड टास्क आता रहेगा आपको यहाँ पे मिलता रहेगा, आप इस तरीके से आप अर्न कर सकते हो अच्छा खासा। ठीक है, तो अगर बात करते हैं यहाँ पे जो ऑटो फैसेट से अर्निंग करोगे, तो ऑटो फैसेट से अर्निंग करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी आपको कहाँ मिलेगा, तो एनर्जी भी आपको यहीं पर मिलेगा। देख सकते हो यहाँ पे जो शॉर्ट लिंक्स के ऑप्शन पे आओगे ना, तो यहाँ पे देख सकते हो तो आप जैसे अर्न करोगे टोकन तो अर्न करोगे, उसके साथ एक एनर्जी भी अर्न करोगे। यहाँ पे देखो टोकन अर्निंग करोगे, उसके साथ यहाँ पे देखो 10 एनर्जी अर्न करोगे। तो इस तरीके से आप एनर्जी को भी अर्न कर सकते हो। एंड एनर्जी को अर्निंग करने के बाद आपको इस जो कॉइन में कन्वर्ट कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऑटो फैसेट पे क्लिक करना पड़ता है। ऑटो फैसेट पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो आपके पास जो भी एनर्जी होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो कन्वर्ट होके जो आपके टोकन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपका एनर्जी है, जितने भी एनर्जी है वो आपके टोकन में कन्वर्ट हो जाता है। तो गाइस अब बात करते हैं यहाँ पे विड्रो लेने के लिए। तो विड्रो लेने के लिए सिंपली आप जितना भी अर्निंग करोगे आपके डैशबोर्ड में इस तरीके से आपका जो बैलेंस है वो शो कर जाएगा, जैसे कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो लाइव आपको वीडियो लेके दिखाता हूँ, तो वीडियो को पूरा देखो। ठीक है, यहाँ पे जो वीडियो लेने का प्रोसेस है वो किस तरीके से आप यहाँ पे वीडियो लोगे, तो यहाँ पे जो नेट है थोड़ा स्लो चल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। मगर आप यहाँ पे वीडियो को पूरा देखो, मैं आपको फुली डिटेल देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ यहाँ पे जो काम करोगे उसके जरिए आपको यहाँ पे पैसा मिलेगा। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे विड्रो का ऑप्शन आपको ढेर सारा यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको अगर लाइटकॉइन में लेना चाहते हो तो फास्ट पे के अकाउंट में ले सकते हो, बिटकॉइन में ले सकते हो, डॉजीकॉइन में ले सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं मुझे पेटीएम में लेना है। सिंपली मुझे इन झमेले में नहीं पड़ना है क्रिप्टो करेंसी के, तो मुझे डायरेक्ट पेटीएम में लेना है। तो मैं यहाँ पे जो पेटीएम देखते हैं, यहाँ पे पेटीएम पे मुझे सिलेक्ट करना होगा। पेटीएम पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। एंड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे देखो तो यहाँ पे आपको वॉलेट एड्रेस मिलेगा, तो यहाँ पे सिंपली आपको अपना पेटीएम का नंबर यहाँ पे डाल देना होगा। ठीक है, जो भी आपका पेटीएम का नंबर यहाँ पे डाल दोगे, जो भी आपका नंबर है वो सिंपली आपको यहाँ पे डालना होगा। तो मैं एक बार मेरा नंबर यहाँ पे कन्फर्म कर लेता हूँ।
तो गाइस यहाँ पे जैसे नंबर डाल के आप यहाँ पे विड्रॉ वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आपका जितना भी टोकन है वो आपका यहाँ पे विड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पे जो मैंने अर्निंग किया था 13,300 जो भी 50 टोकन मैंने अर्निंग किया था, ठीक है, वो मेरा यहाँ पे जो बैलेंस है वो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कट चुका है, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा बैलेंस है, यहाँ पे जो विड्रॉ है वो लग जाएगा। मैं पेज को यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड उसके बाद मैं आपको यहाँ पे शो करवा देता हूँ। यहाँ पे देख तो कि जो यहाँ पे विड्रॉ है वो मेरा यहाँ पे लगा है कि नहीं लगा है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि आपको यहाँ पे जो टोकन है वो कितने टोकन में आपको यहाँ पे कितने रुपए यहाँ पे मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा पेज लोडिंग हो रहा है, लोडिंग होने के बाद यहाँ पे देखो 13,359 टोकन है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो तो यहाँ पे जो एक INR बराबर आपको 1,350 टोकन चाहिए, ठीक है। अगर आपको 1 रुपये चाहिए अपने पेटीएम अकाउंट में तो सिंपली आपको 1,350 टोकन की अर्निंग करना होगा। जो भी मैं विड्रो हिस्ट्री में जाता हूँ, यहाँ पे विड्रो हिस्ट्री में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जो भी पेमेंट प्रूफ है, मैं यहाँ पे जो विड्रो लगाया मैंने वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे विड्रो पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो कि मेरा यहाँ पे विड्रो जो पेंडिंग में है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। जो मेरा बैलेंस है यहाँ पे जो पेंडिंग में शो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो पेंडिंग में शो कर रहा है। जैसे यहाँ पे अप्रूवल हो जाता है, मैं आपको स्क्रीन में आप देख सकते हो कि पेमेंट प्रूफ भी आपको शो कर रहा होगा और आप कम्युनिटी पोस्ट में भी मैं आपको जो पेमेंट प्रूफ है मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, 1 मिनट पहले मैंने लगाया था और यहाँ पे जो भी मेरा अमाउंट है वो मैंने जो मेरा देख तो आपने मुझे मेरा बैलेंस था 13,359 रुपये जो कि 59 कॉइन जो कि इंडियन रुपए में 9 रुपये की आसपास यहाँ पे जो मैंने अर्निंग किया था, ठीक है। तो बेसिकली यही है, आपको यहाँ पे जो 1 रुपये का जो टोकन है वो आपको 1,350 टोकन की अर्निंग करना होगा, तब जाके आपका यहाँ पे 1 रुपये बनेगा। तो उस हिसाब से आप देख लेना कि आप यहाँ पे कितना कैप्चा टाइपिंग वर्क करके अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे विड्रो लेके भी दिखा दिया और मेरा बैलेंस अभी तक इसलिए नहीं कटा क्योंकि जो मेरा विड्रो जो मैंने लगाया था वो पेंडिंग में है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अप्रूवल हो जाता है मेरा बैलेंस यहाँ पे कट जाएगा एंड ही उसके बाद यहाँ पे जो मेरा पेमेंट प्रूफ है वो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दूंगा और अगर इस वीडियो के स्क्रीन में भी मैं शो करवा दूंगा अगर जल्दी से जल्दी मुझे पेमेंट प्रूफ मिलता है तो, ठीक है।